यार अभी नीट एग्जाम में इतना एंग्जाइटी लेने की जरूरत नहीं है, समय है। जून का देखिए तो क्लियर कट बेटा, 6 महीने तो कहीं नहीं गए, यू स्टिल हैव 6 months लेफ्ट। तो बेटा जो बच्चे अभी से हार गए थे, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। 7th मई की डेट सुन के अचानक से बहुत सारे बच्चे सोचे कि यार अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया, अभी तो जस्ट मैंने सीरियस होना शुरू किया है, कहीं मुझे ड्रॉप तो नहीं लेना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज उन बच्चों को, बेटा ड्रॉप लेने के बारे में अभी मत सोचो, ठीक है? अभी भी तुम्हारे पास समय है। अगर आपने 5-6 महीने भी अच्छे से यूटिलाइज कर लिए बेटा, आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, आप क्रैक कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही यार आज से शुरू करके तुम एम्स ले लोगे, नहीं। अदरवाइज अगर 6 महीने की बात होती तो बेटा 2 साल की जर्नी क्यों होती है इतनी लंबी। बट हाँ, कुछ कुछ आता है, आज से सीरियस हो जाओगे, इफ नॉट द बेस्ट एटलीस्ट यू विल गेट सम गवर्नमेंट कॉलेज इन योर स्टेट, ठीक है जी? अब इसकी तैयारी कैसे करें, समझ नहीं आता। मैम मैं रेडी हूँ, मेरे में पोटेंशियल बहुत है, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मेहनत कैसे करूँ, कहाँ से पढ़ूँ? बेटा अभी मैं आपको बता दूँ, ये जो लिमिटेड समय है, इस समय तुम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज, क्या करना पड़ेगा बेटा, जो 3 बातें तुमको फॉलो करनी है, वो 3 बातें ये है कि यार आपको अपनी एनसीईआरटी नहीं छोड़नी, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं छोड़नी एक्सेप्ट फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स में वो अंडरस्टैंड करनी मुश्किल है, आपको वही एनसीईआरटी आपके टीचर अच्छे से समझाते होंगे। तो एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करनी है आपको। अब आपको बेटा किसी भी और चीज, कोई और मॉड्यूल कोचिंग का इधर उधर का बेटा टच भी नहीं करना, बिकॉज समय नहीं है, समय नहीं है। मैं ये नहीं कह रही वो चीजें अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है यार, लेकिन उनके लिए जो लोग 2-2.5 साल से मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए नहीं बेटा, जो आप सीरियस हो रहे हैं, ठीक है? मॉड्यूल के बारे में नहीं सोच रहा, क्वेश्चन के फॉर्म में बेटा तुम्हें PYQs लगाने हैं, प्लस सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है? PYQs और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लगाने हैं। अगर बेटा आपने ये 3 चीजें रिलीजियसली कर ली ना, रिलीजियसली, अब यार तुम कहते हो मैं एनसीईआरटी तो मैंने बड़ी बारी पढ़ ली, पढ़ना नहीं है बेटा उसको, रीड नहीं मार रहे, स्टोरी बुक नहीं है बेटा एनसीईआरटी, आपके पास उसके बढ़िया एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स होने चाहिए। मतलब आपका टीचर ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें एनसीईआरटी की एक लाइन करके वो तुम्हें क्लास में समझाए, घर जाकर तुम उसकी एनसीईआरटी पढ़ो, क्लास के दौरान तुम अपने नोट्स बनाओ और फिर उसके PYQ सॉल्व करो एंड उसके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो, बस बेटा ये। साथ में इन्वॉल्वमेंट ऑफ मॉक टेस्ट, एवरी वीक एक मॉक टेस्ट तो दो ही दो, नो मैटर आप पार्ट मॉक टेस्ट दीजिए, हाफ मॉक टेस्ट दीजिए, 11th का दीजिए, 12th का दीजिए, जितना प्रिपेयर हुए उतना दीजिए, लेकिन टेस्ट में बैठिए, क्योंकि टेस्ट में बैठना जरूरी है टू अंडरस्टैंड द टेम्परामेंट दैट यू नीड टू हैव ड्यूरिंग दैट एग्जामिनेशन।